significant announcement on the 9th of February. Prime Minister Narendra Modi had revealed the distinguished recipients of the Bharat Ratna, India's highest civilian honour. Former Prime Ministers P.V. Narasimha Rao and Chaudhary Charan Singh, alongside agricultural scientist M.S. Swaminathan, have been named as this year's honorees. This announcement, of course, coming after former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur and former Deputy Prime Minister Lal Krishna Advani were previously disclosed as awardees of the prestigious honour. India will confer the Bharat Ratna to these five people today at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Political reactions on this story now are coming in. We'll be all our family members will be going to the Rashtrapati Bhavan shortly. And we feel very happy that our grandfather, our family member, has been awarded the highest civilian award in this country, the Bharat Ratna, along with other leaders also. The first Telugu person and the first Telugu person to become the Prime Minister, the first Telugu person to receive the Bharat Ratna, this is a pride moment for entire people in the whole country. आज उसी 23 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर भाई नीतीश कुमार जी का और सबको सबसे ज्यादा खुशी का दिन है आज. मैं तो कहता हूँ कि ये कई जन्मों में एक बार किसी को मौका मिलता है कि ऐसा समय मिले और जाकर के आप इस दिन को देखें. यह जितना मेहनत किया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, अपनी पूरी जिंदगी दी है समाज को, गरीबों को, और उस चीज को आज पूरा देश, पूरा विश्व माना है और आज इसीलिए अलंकृत किया जाएगा. बहुत ही खुशी की बात है. तो मैं तो समझता हूँ मानव समुदाय के लिए एक उदाहरण है कितनी गरीबी में भी उन्होंने अपने ईमानदारी शालीनता के रास्ते पर चलते रहे, भूखे रह के भी जो अंतिम पायदान के लोग हैं किस तरह से उनको, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया किस तरह से उनको पहुंचाया जाए उस संविधान की ताकत, उन्होंने कार्य करने का काम किया. तो ये मानव समुदाय के लिए उदाहरण है, मानव समुदाय के लिए सीखने की चीज है. मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ. जैसे महान व्यक्तित्व के जो मानव समुदाय में कभी कभी ऐसा पैदा लेते हैं, उस जननायक कर्पूरी जी को आज बहुत बड़ा जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है वह सम्मान आज देने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी. मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ. बिहार के लिए ये गौरव का क्षण है कि इस सम्मान में हम लोग गवाह बनने जा रहे हैं. और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बिहार को सम्मान किए हैं उनके प्रति हृदय से आभार, धन्यवाद. और बिहार की ठहरी हुई विरासत को एक प्रेरणा मिलेगा, नौजवानों के मन के अंदर बिहार के विरासत को बढ़ाने का जो संकल्प होगा वो साकार होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में. देखिए जो लटक में चलते हैं वो झटक में पड़ ही जाते हैं. नहीं बिल्कुल, देखिए ये हम सबकी एक लंबे समय से मांग रही और मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, महामहिम जी, मैं सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरीके से भारत रत्न, देश के सर्वोच्च सम्मान से आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है, ये हम सब बिहारियों के लिए एक गौरव की बात है. और ऐसे में कल ये पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें सम्मिलित होकर उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं. कर्पूरी ठाकुर जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, इसीलिए उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा भी जाता है. आरक्षण के बहुत मजबूत पक्षधार थे और मोदी जी जब से आए हैं आरक्षण करीब करीब ख़त्म कर रहे हैं. तो ये तो विरोधाभास है. जो कर्पूरी ठाकुर जी थे और उनके विचार थे और बीजेपी के विचार में कोई समानता नहीं, बल्कि एकदम दोनों विपरीत धुरी पर हैं. लेकिन वोट का चक्कर है. कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को मान करके कहीं भी दिखाएं, जैसे 48 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी उसमें हैं,
उसमें भागीदारी दे करके दिखाएं, तब जाकर के कर्पूरी ठाकुर जी के विचार के करीब पहुंच पाएंगे। Mohammad Afsar is joining us for more details on this story. Mohammad, it is a big moment today as the country will confer the President of India rather will confer the Bharat Ratna Awards on five very distinguished individuals who all will be present from their families to collect it. बिल्कुल एक बहुत बड़ा मोमेंट है देश के लिए भी, क्योंकि पांच बहुत बड़े जो लोग हैं, पांच विभूतियां हैं जो भारत उनको भारत सरकार आज भारत रत्न दे रही है। अभी से थोड़ी देर में ही 11 बजे का कार्यक्रम तय है, राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होगा, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी शायद नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो कल राष्ट्रपति खुद उनके घर जाकर के ये सम्मान देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि चूंकि बिहार से कर्पूरी ठाकुर आते हैं और उसको लेकर के बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हमने सुनी अभी थोड़ी देर पहले, तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे लेने आएंगे और इस अवार्ड को लेने के लिए, और जो पांच लोग हैं इसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, तो इसमें चार लोगों को मरणोपरांत दिया जा रहा है जिनके परिवार के लोग अवार्ड लेने आएंगे, और कल लालकृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर के सम्मान दिया जाएगा। और एक चीज और इसमें अपडेट करें आपको कि पिछले चार सालों में 2020 के बाद ये अवार्ड क्योंकि बीच में रुक गया था, 2020 से 2023 तक किसी को भारत तक नहीं दिया गया था और इस साल पांच लोगों को चुना गया है, और अभी से थोड़ी देर में ही 11 बजे से राष्ट्रपति भवन में ये समारोह आयोजित होगा और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और कई बड़े नेता भी हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.